हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एग्जिट एग्जाम की सीरीज चल रही है उसमें आगे के क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं जो दोस्तों फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड रखते हैं। तो बिना देरी किए, बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हिच वन इज नॉट एन इनहेलेंट कंपाउंड। तो दोस्तों, वो कौन है जो इनहेलेंट कंपाउंड नहीं है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शंस में से वो कोई एक है जो इनहेलेंट कंपाउंड नहीं है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन दोस्तों इनहेलेंट कंपाउंड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग, ब्लैंक दे रखा है, विद हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय रिड्यूसिंग पोटेशियम परमैंगनेट विद हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एसए ऑफ ब्लैंक दे रखा है, इज बेस्ड ऑन द गैसोमेट्रिक मेथड विच यूटिलाइजेस नाइट्रोमीटर। तो नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैंक दे रखा है, कैन एग्जिस्टिंग गिव्स अ फ्लेम। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कार्बन डाइऑक्साइड कैन एक्सटिंग्यूश अ फ्लेम। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक दे रखा है, इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंटेस्टाइनल मेथड, गैसोमेट्रिक मेथड, टाइट्रेशन मेथड और बोरेक्स रिएक्शन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसोमेट्रिक मेथड इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लैंक दे रखा है, आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो दोस्तों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड से जो पॉइजनिंग होती है, तो उसे ट्रीट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिक्सचर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन अमोनियम नाइट्रेट इज थर्मली डीकम्पोज्ड एट ब्लैंक दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विद NO2 एज एन इम्प्योरिटी। तो 109 डिग्री सेंटीग्रेड, 190 डिग्री सेंटीग्रेड, 901 और 680। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 190 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विद NO2 एज एन इम्प्योरिटी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है, ब्लैंक दे रखा है, कैन बी एसिड बाय डिटरमाइनिंग इट्स वॉल्यूम इन लिक्विड ऑक्सीजन कंटेन्ड इन अ सूटेबल एपारेटस। तो ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड, कैन बी एसिड बाय डिटरमाइनिंग इट्स वॉल्यूम इन लिक्विड ऑक्सीजन कंटेन्ड इन अ सूटेबल एपारेटस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हेन मिक्सड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस ब्लैंक दे रखा है, फ्यूम्स। तो ब्लू फ्यूम्स, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेड फ्यूम्स इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, इसी के साथ हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉप 9, दोस्तों इसमें केवल एक बाकी रह गया है, टॉप 9 हमने इसमें MCQs देखे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।